अमेरिकी शहरी जोनाथन ली रिचेस ये दुनिया का अजीब और गरीब इंसान है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमात लड़ने वाला शख्स कहलाता है। इसने सबसे पहला मुकदमा अपनी माँ के खिलाफ दर्ज करवाया कि माँ ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की। ये केस जीत गया और $20,000 मुआवजा उसे मिला। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। इसने अपने दोस्तों, अपने असातज़ा, अपने हमसाया, अपने रिश्तेदार, अपनी मंगेतर, पुलिस ऑफिसरान, जजेस, मशहूर कंपनियां, हत्ता के अमरीकी सदर जॉर्ज बुश पर भी मुकदमात किए। मुख्तलिफ अदालतों में उसकी तरफ से दाखिल किए गए मुकदमात की तादाद 2600 हो गई। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मालिकान के खिलाफ मुकदमा किया कि इसकी इजाजत के बगैर इसकी जाती जिंदगी से मुतल्लक मवाद क्यों शाया किया है। मुख्तलिफ मुकदमात में ये हरजानू और मुआवजों की सूरत में $850,000 जीत गया। उसे एक टीवी शो में बुलाया गया। इसने इंतहाई दुख और रंज के आलम में मेजबान से सवाल किया, क्या वजह है इतनी शोहरत के बावजूद मैं तनहा जिंदगी गुजार रहा हूँ, कोई मुझसे प्यार करने वाला नहीं है। टीवी मेजबान इस सवाल पर हंस पड़े और काफी देर तक हंसते रहे। ये टॉक शो छोड़कर उठा और टीवी चैनल के खिलाफ केस कर दिया। $50,000 इधर से भी जीत लिए। अब मुझे ये डर है कि अगर मेरी ये वीडियो कहीं वायरल हो जाए तो ये शख्स मुझ पर भी केस ना कर दे। अगर आप किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।